नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस एलआर एजुटेक में स्वागत है। देखिए, गूगल फॉर्म आया है जो हर विकास खंड के लिए अलग होगा, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो है आप लोग समझें कि इसमें भरना क्या है। तो सबसे पहले आता है ब्लॉक का नाम, तो जिस ब्लॉक के वो भर दीजिए, यूडाइस कोड जो भर दीजिए, विद्यालय का नाम भर दीजिए, शुद्ध पेयजल है कि नहीं, बालक शौचालय है कि नहीं, बालिका शौचालय है या नहीं, शौचालय व मूत्रालय में जल नल जल की आपूर्ति है कि नहीं, और शौचालय मूत्रालय में टाइलीकरण हुआ कि नहीं, दिव्यांग सुलभ शौचालय है या नहीं, मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट है कि नहीं। ये आगे चलते हैं, और रसोई घर है कि नहीं, कच्चा कच में फर्श के टाइलीकरण है या यस या नो, श्यामपट है या नहीं, विद्यालय की समुचित रंगाई पुताई है कि नहीं, विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ लैंप रैंप और रेलिंग है कि नहीं, कच्चा कच में उपयुक्त वायरिंग एवं विद्युत उपकरण है कि नहीं है, विद्युत विद्यालय का विद्युत संयोजन है कि नहीं, फर्नीचर एक टेस्ट बेंच है कि नहीं, विद्यालय परिसर में फोर्स लिफ्ट एवं समरसेबल द्वारा नल जल आपूर्ति है कि नहीं, बालक मूत्रालय है या नहीं, बालिका मूत्रालय है नहीं, उसके बाद इसको आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये हम चलते हैं अपने तरफ से भरने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो गए हैं और इस तरह से आप लोग को भरना है। और चलिए मैं भरता हूँ। चलिए, यूडाइस कोड डाल दिया हमने, इसके बाद क्या डालना है, विद्यालय का नाम डाल दीजिए, इंग्लिश हिंदी जो भी चाहे डाल सकते हैं आप। विद्यालय का नाम डाल दिया आपने, ठीक है, उसके बाद आपको भरता है, शुद्ध जल है अलग शौचालय है, हल्का शौचालय है, मूत्रालय जल की आपूर्ति है, शौचालय टाइलीकरण है, दिव्यांग सुलभ शौचालय नहीं है मान लीजिए, मल्टीपल हैंड वॉशिंग है, रसोई घर है, कच्चा घर टाइलीकरण है, श्यामपट है, और विद्यालय की समुचित रंगाई पुताई है, विद्यालय परिसर में सुलभ रेलिंग है, और कच्चा कच में प्रयुक्त वायरिंग है, विद्यालय में विद्युत संयोजन है, डेस्क बेंच है, समरसेबल है, बालक मूत्रालय है, बालिका मूत्रालय है, ये सब है। करने के बाद जितना हो उसके बाद आप उसको सबमिट कर देंगे, और सबमिट कर देने के बाद देखिए ये अनटाइटल्ड फॉर्म हो गया, योर रिस्पॉन्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड, और इस तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा। हर ब्लॉक के लिए अलग आएगा और हर ब्लॉक के लिए लिंक अलग होगा। ठीक है, तो ये सूचना मैंने दे दी है, आप अपने जो विद्यालय में सूचना है उसके हिसाब से भर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा वीडियो, फिर मिलेंगे एक और वीडियो तक, तब तक बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।